रहमान रहीम होटल गुरु से मोहम्मद यासीन आपके साथ है व्यूवर्स, एक और नया गेस्ट हाउस रिव्यू लेके। व्यूवर्स, मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसमें एक सर्वे किया, जिसमें से लोगों ने मुझे एडवाइस किया उस सर्वे के अंदर कि इस्लामाबाद के अंदर जो होटल्स हैं या गेस्ट हाउसेज़ हैं हमें उनका रिव्यू चाहिए। उसमें बहुत सारी ऑप्शन थी, लाहौर, मरी और दीगर शहर भी अवेलेबल थे। लोगों ने इस्लामाबाद को सजेस्ट किया, विच मीन्स के इस्लामाबाद में जो टूरिज़्म है राउंड द ईयर होता है और नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग जा रहे हैं, बिज़नेस टूरिज़्म है, कल्चरल टूरिज़्म है, तो ये इसीलिए इस्लामाबाद जो है टूरिस्ट के लिए वो बिज़ी रहता है। तो लग्जरी इन गेस्ट हाउस मेरे बैकड्रॉप पे है, इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं, ये वाकया कहाँ पे है और इसके अंदर कौन कौन सी एमिनिटीज़ हैं, तो चले मेरे साथ। व्यूअर्स, लोकेशन इसकी क्या है, ये G13-3 का इलाका है जहाँ पे ये वाकया है, 164 स्ट्रीट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और मेरे लेफ़्ट पे अगर कैमरामैन दिखा पाए मुझे, थोड़ा सा ओवरव्यू आप ले लें लोकेशन का। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एरिया है, ये पार्किंग लॉट है, इसके फ्रंट पे बिल्कुल गेस्ट हाउस के जो कि रेयर होती है यहाँ पे, और इनसाइड भी पार्किंग अवेलेबल है। तो चलें एंटर होते हैं और डिटेल में देखते हैं गेस्ट हाउस कैसा है। व्यूवर्स, हमारे साथ आमिर कादर साहब हैं, इस प्रॉपर्टी के केयर टेकर। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम यासीन साहब, मोस्ट वेलकम। हम होटल गुरु को खुश आमदेद कहते हैं, रिक्वेस्ट है होटल गुरु के व्यूवर्स को और इसको सब्सक्राइब करें, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और गेस्ट हाउस और होटल्स के हवाले से इनकी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा व्यूवर्स, ये हम एंटर हो गए हैं खूबसूरत से गेस्ट हाउस में जिसे लग्जरी इन गेस्ट हाउस कहते हैं। ये आप इसकी लॉबी देख रहे हैं, एंट्रेंस इसकी बड़ी खूबसूरत सेटिंग है और लाइटिंग बड़ी प्यारी है। अगेन मैंने आपको जिस तरह बोला कि ब्रांड न्यू गेस्ट हाउस है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये लॉबी है इसकी, आप देख लें, उसकी फ्लोरिंग देखें, आपकी फ्लोरिंग कितनी खूबसूरत फ्लोरिंग है, शाइन कर रही है। और चलें रूम्स का भी डिटेल में देखते हैं, रूम्स कैसे हैं। व्यूवर्स, आमिर साहब से मैंने इंक्वायर किया है, उन्होंने बोला है कि 8-9 रूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर जो रूम्स हैं उनको हम देखते हैं। नीचे जो रूम्स हैं उनकी सेटिंग भी इसी तरह है, नीचे जो रूम्स थे वो ऑक्यूपाइड थे, इसलिए हम जो व्यूअर्स को दिखाने के लिए जो ऊपर वाला फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर उसके रूम्स हम विज़िट करवाते हैं। अगेन जो लाउंज है या जो ये डाइनिंग एरिया या मोर ऑर लेस उनकी एरिया तकरीबन वही है, सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आई मस्ट से कि बड़ा खूबसूरत और वेल मैनेज्ड। ये जी व्यूअर्स, फर्स्ट रूम में हम एंटर हो गए हैं, आमिर साहब से कंप्लीट इसकी डिटेल पूछेंगे ज़रूर, आप थोड़ा सा व्यू ले लें। व्यूवर्स, कबर्ड्स अवेलेबल हैं और कबर्ड पूरी दीवार के ऊपर कबर्ड लगे हुए हैं, और यहाँ पे दो सिंगल बेड हमें नज़र आ रहे हैं जो कि बड़े अच्छी खूबसूरत तरीके से लगे हुए हैं, और सोफ़ा एक पड़ा हुआ है कॉर्नर पे, एंड देन वी हैव LCD ऑन द वॉल, और स्टैंडर्ड जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे इस रूम के अंदर। वॉशरूम को भी देख लेते हैं, वॉशरूम कैसे हैं इसके, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है ये। व्यूवर्स वॉशरूम देखते हैं, ये देखें व्यूवर्स, जो वेट एरिया है अगेन वो विद द हेल्प ऑफ ग्लास उन्होंने सेपरेट किया हुआ है, और बाकी एमिनिटीज़ भी अच्छी लग रही हैं, साफ़ सुथरा है मस्त से। आमिर साहब से पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं इसके रेट्स क्या हैं, हाउ मेनी पीपल दे अकोमोडेट। होटल गुरु यासीन साहब, ये डिलेक्स ट्विन रूम है जिसमें एक सोफ़ा लगा है और सेटिंग एरिया है और LED TV है, एंड्रॉयड फैसिलिटीज़ है, और इसमें सिर्फ दो आदमी अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें सेटिंग एरिया नहीं है, तीसरी बंदी की जो है ना एकोमोडेशन नहीं हो सकती, और ये सिर्फ और सिर्फ दो आदमियों के लिए है और डिलेक्स ट्विन रूम है। अच्छा, ये होटल गुरु के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, ये 5,500 है, और वैसे हम 6,500 ऑफ़र करते हैं, और ये डिलेक्स ट्विन रूम है। व्यूअर, एक दूसरी कैटेगरी है, इस रूम को भी आप देखें, थोड़ा सा ओवरव्यू लें, आप फिर अगेन डिस्कस करते हैं आमिर साहब से कि हाउ मच दे चार्ज फॉर दिस रूम। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, सामने एक खूबसूरत सा सोफ़ा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये रूम स्पेशियस है उस रूम से ऑब्वियसली, और किंग साइज़ का बेड एक लगा हुआ है, डबल बेड है, और
एमिनिटीज़ अच्छी लगी हुई हैं, बैकड्रॉप बड़ी खूबसूरत है और तमाम किस्म की जो एमिनिटीज़ स्टैंडर्ड एमिनिटीज़ हैं, एसी है और कबर्ड और एलईडी वगैरह अवेलेबल है। वॉशरूम को भी देख लेते हैं व्यूवर्स, वॉशरूम इनके अमर से कि बहुत साफ़ सुथरे, क्योंकि ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं फ्लोरिंग इसकी वेट बिल्कुल ड्राई है और किसी किस्म की स्मेल मुझे महसूस नहीं हो रही यहाँ पर। और वॉशरूम्स जो है, सॉरी जो वॉश बेसन है, वॉल माउंटेड वॉश बेसन लगा हुआ है और बड़ा खूबसूरत सा ग्लास अवेलेबल है। ठीक है, तो आमिर साहब ओवरव्यू हमने ले लिया है इस रूम का, इस रूम को क्या कहते हैं और इसमें कितने पर्सन अलाउ करते हैं आप, क्या रेट है इसके? अच्छा, होटल गुरु के लिए अगेन ये डिलेक्स किंग साइज़ बेड है और साथ में सोफ़ा लगा हुआ है और इसमें तीन बंदे आसानी से, स्पेशियस रूम है, तीन बंदे अकोमोडेट हो सकते हैं। और अगेन होटल गुरु के लिए स्पेशल डिस्काउंट, यानी 6000 में, 1000 इसमें डिस्काउंट है, 6000 में ये स्पेशल रेट के साथ ये इनके लिए, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, यस। ओके ओके यसीन साहब, ये अभी स्पेशल यूनिक किस्म का रूम आपको दिखा रहा हूँ, ये स्पेशल पीस है इस गेस्ट हाउस में और इसको मास्टर मास्टर बेड लगा हुआ है, बहुत स्पेशियस है, सोफ़ा बेड और ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। व्यूअर्स को मैं दिखा दूँ? जी 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 जी, फिर आपसे मैं डिटेल में पूछता हूँ इसके चार्जेस वगैरह और इसके हाउ मेनी पीपल यू अकोमोडेट। व्यूअर, ये वन ऑफ द स्पेशियस रूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वन ऑफ द नहीं बल्कि स्पेशियस, मोस्ट स्पेशियस रूम है। यहाँ पे देखें कॉर्नर पे एक लाउंज की सी सेटिंग इन्होंने की हुई है जहाँ पे चार बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे खूबसूरत सा डबल बेड लगा हुआ है और वॉल बैकड्रॉप में बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटेड है। और किसी भी 3-स्टार 4-स्टार कैटेगरी के होटल से ये कम नहीं लग रहा मुझे। और वॉशरूम इसका देखते हैं, बड़ा खूबसूरत सा वॉशरूम लग रहा है। जितने भी मैंने होटल्स रिव्यूज़ किए हैं उनमें से मैं इजीली कह सकता हूँ सफाई के लिहाज से, और वैसे भी जो कलर स्कीम है इसकी, जो टाइल्स लगी हुई हैं, ये पूरी की पूरी टाइल्ड है, छत तक ये टाइल्ड है। और यहाँ पे देखें वैनिटी बड़ी अच्छी खूबसूरत लगी हुई है और यहाँ पे कबर्ड्स भी अवेलेबल हैं। जैसे आपने कह दिया व्यूअर्स को कि ये स्पेशियस रूम है, इसमें 4 आदमी 4 आदमी 4 एडल्ट्स एकोमोडेट हो सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा बेड लगेंगे और काफ़ी स्पेशियस है। और इसका स्पेशल रेट जो है, वैसे तो हम 7000 देते हैं लेकिन ये आपके लिए स्पेशल रेट 6000 और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। अच्छा, 6000 इसका भी और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट? जी 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 जी, ठीक है। और वैसे हम 7000 आपका डिस्काउंट हो गया। अच्छा व्यूवर्स, एक स्पेशल किस्म की कैटेगरी भी है रूम्स की अवेलेबल इनके पास, ये टॉप फ्लोर के ऊपर बजट रूम आप कह सकते हैं दो लोगों के लिए, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेड है वो डिफरेंट स्टाइल का है और बच्चे भी इजीली यहाँ पे आ सकते हैं बल्कि एंजॉय कर सकते हैं इसको। बाकी स्टैंडर्ड एमिनिटीज सारी लगी हुई हैं, एलईडी वगैरह अवेलेबल है, एसी है। और वॉशरूम अगेन इसके जिस तरह बाकी वॉशरूम हमने देखे साफ़ सुथरा, यहाँ भी वॉशरूम है, छोटा है लेकिन साफ़ सुथरा वॉशरूम है। और स्टैंडर्ड साइज की अलमारी इन्होंने दी हुई है। आमिर कादिर साहब, इसके क्या रेट होंगे, क्योंकि ये बजट रूम लग रहा है मुझे छोटा। यसीन साहब, अगेन ये बजट रूम है, इसका कंसेप्ट यूरोप में मिलता है, इसमें 4 बच्चे या 2 एडल्ट्स एकोमोडेट हो सकते हैं, 12 ईयर्स या अंडर 12 ईयर्स जो बच्चे होते हैं। और बाकी जो इसका स्पेशल रेट है वो 4500 है, लेकिन हम होटल गुरु को स्पेशल डिस्काउंट के ये 3500 में देंगे इंशाल्लाह। ओके ओके। अच्छा व्यूवर्स, इनके पास जो है इस गेस्ट हाउस में किचन भी अवेलेबल है, इफ़ यू हैव द हॉबी ऑफ कुकिंग, आप कुकिंग भी कर सकते हैं। मॉडर्न लुकिंग किचन अवेलेबल है आपकी डिस्पोजल पे, तो चॉइस इज़ योर्स। अच्छा व्यूवर्स, समराइज करते हैं इस गेस्ट हाउस रिव्यू को। ये उन लोगों के लिए आइडियल हो सकता है जो कश्मीर हाईवे पे आ रहे हैं, तो किसी किस्म का काम है उनको, कश्मीर हाईवे से एडजेसेंट G13 है और एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे अगर उनका किसी का काम है तो उनके लिए भी ये फ्रूटफुल हो सकता है। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। होटल गुरु का मकसद यहाँ पे यही है कि घर बैठे हुए आपको प्रॉपर्टी की तमाम डिटेल वीडियो के ज़रिए पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज मोहम्मद यासीन फ्राम होटल गुरु। अल्लाह हाफिज़।